अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सितार के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ कि तारों का क्या फंक्शन होता है, तरबों के क्या फंक्शन होता है, इनके मिलाने के क्या तरीक़ेकार हैं। ये जो पहला तार जो हम बजाते हैं, असल मेन तार यही है, इसे कहते हैं बाज का तार। दूसरा तार जोड़े का तार कहते हैं, इसको हम खरज पे साबे सुर करते हैं। तीसरा तार गंधार पे यानी गा पे सुर करते हैं। चौथा तार जो है उसे हम पंचम पे, बाकी जो झाला है वो साबे सुर होता है। बाकी हम राग के हिसाब से शुरू करते हैं, जो राग बजाएंगे उसके हिसाब से हम ये, अब ये तरबे जो ये हम बजाते हैं, ये हम अगर हम एमन बजाते हैं तो सारा हमें कल्याण ठाट मिलाना पड़ेगा। अगर हम कोमल सुरों में भैरवी बजाती हैं तो फिर हमें कोमल सुर मिलाने पड़ेंगे। तरबों का ये फंक्शन होता है। और फिंगर और मुजराब जो है बिल्कुल दा से बजाना है ये, और हमारे तीन सप्तक होते हैं, मदरस्तान, मदस्तान, तारस्तान। मदरस्तान में लो सुर सा नी धा पा, इसे हम लो सुरों में कहते हैं। फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये पहला मदरस्तान, दूसरा मदस्तान, तीसरा तारस्तान, जिसको जो सुर हाई पिच में लगते हैं उसे कहते हैं तारस्तान। अब ये इसमें मुजराबों के बोल भी होते हैं। अगर ये उसमें इसे दार दारा, इसे दारा कहते हैं हम। एक मुजराब है ये दा दीर दारा, ये सिर्फ रियाजत के लिए, रियाजत बहुत ज़रूरी है, बड़ा टाइम लगता है जी, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल आसान किए। वैसे बच्चे भी बजाते हैं, बूढ़े भी बजाते हैं, जवान भी, सब बजाते हैं इंशाल्लाह। अब ये दादर दारा जब हम बताएंगे बड़े आसानी से ताकि उसकी समझ में आ जाए, दादीर दादीर, ये अब इसको हम तेज भी, इससे फिर सार आसान हो जाती है। यही मिजराबें हम बजाते हैं, राग में भी यही मिजराबें इस्तेमाल होती हैं, गाने में भी यही रेज है। अब इस सरगा पलटे, रियाजत के जो पलटे हैं, सारे गारे मा गारे सारे गा मा गा पा मा गा मा पा, अब ये इसमें हम जो, अब ये इसमें फिर हमारे में जो तान पलटा फिरेंगे उसमें हमें आसानी हो जाए।
ये झाला। ये आज का लेसन था जो मैंने आपको बजाने का, बैठने का तरीका बताया और मुजराबे पहनने का और झाले के मुतलक मैंने बताया और तारों को नाम मैंने बताए कि कौन कौन से सुर पे होते हैं, ताकि आसानी हो जाए, सुर करने में आसानी हो। वो मैंने बिल्कुल ईजी कर दिया। इंशाल्लाह अगले लेसन में आपसे मुलाकात होगी, उसके मुतलक हम आपको और बताएँगे इंशाल्लाह।